2024 में कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? 2024 में और कोई ऑप्शन नहीं है? वन साइडेड लड़ाई है, मोदी आएगा जी भाई साहब। कौन आएगा 2024 में? मोदी आएगा आप बताइए भाई। ठीक सुनिए भैया, हम अंधभक्त नहीं है, ठीक है, वो जनता के ऊपर है ना, वो जनता है। ये सारे अंधभक्त खड़े हैं यहाँ पर, आप अंधभक्त नहीं? मैं अंधभक्त नहीं भैया, आप हैं अंधभक्त। मुझे, मैं किसी का भक्त? मैं भगवान सरकार कैसे कैसे कहते हैं कि मोदी आएगी जब जब जनता चुनेगी चुनाव? अंधभक्त का मीनिंग बताइए, अंधभक्त का मुझे अर्थ बताइए। हमको हमको ऐसे नहीं बोलना है ना कि भैया सरकार मोदी जी आ गई, चुनाव होगा ना, चुनाव आयोग है ना, लोकतंत्र है ना, तो चुनाव होगी, पब्लिक वोट करेगी, इसका सरकार बनेगी उसको देख लिया जाएगा, तो जरूर क्या मोदी बनेगी? मोदी बनेगी भाई साहब। महंगाई और बेरोजगारी पर अगर हम बात कर ले तो वहाँ पर काम क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, बताइए। देखिए देखिए, महंगाई और बेरोजगारी एक अलग तथ्य है। अगर हम जीडीपी का कंपेयर करें तो पिछली सरकारों के अगर हम कंपेयर किया जाए तो आज हमारी जीडीपी पूरे विश्व में 5वें नंबर पे आती है। तो इससे हम और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम कंपेयर किया जाए, अगर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मोदी सबसे आगे, बीजेपी पार्टी सबसे आगे है भाई साहब। अब बताइए, सबसे टॉप लीडर है आज के डेट में, पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप लीडर है, फेमस हो चुका है वो। माने माने नरेंद्र मोदी जी पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप लीडर आज के डेट में गिनती में आते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए 3 क्षेत्रों में कार्य करना जरूरी है, आर्थिक व्यवस्था, हमारी फॉरेन पॉलिसीज और हमारी जो मिलिट्री पावर है, और इन तीनों पे हमारी जो ये डिप्लोमेटिक सरकार है, एस जयशंकर जैसी लीडर है हमारे पास, एस जयशंकर जैसी लीडर है जिसके कारण हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे तगड़ी है, सबसे ऊपर है जी भाई साहब, फॉरेन पॉलिसी सबसे ऊपर है। बताइए, जाने दीजिए, उतना ऊपर ऊपर होने जाने बताइए तो देश क्यों जाने दे, फॉरेन पॉलिसी क्यों जाने दे, देश की चुनाव करना चौबीस की। अभी आज से पहले किसी ने G20 की अध्यक्षता की है भैया? हो रहा है, अच्छी बात है, देश की गौरव की बात है, देश की गौरव की बात है, देश की गौरव की बात है, हो रही, अच्छी बात है, उस पर हमें फक्र है, हमें फक्र है। फिर काम में कहाँ कमी लग रही है? वो काम में कमी, मेरी बात तो सुन लीजिए। अभी मैंने अभी हम सुबह लंच किए, जब हम लोग जब पेमेंट करने गए तो ब्रेकफास्ट होता है नहीं, दोपहर में लंच किए हैं तो कहे हम लोग, तो हम लोग पेमेंट करने गए तो दुकानदार ने बोला कि हम कैश नहीं, वो कैश दीजिए, एक डीजल नहीं लेंगे, गूगल नहीं लेंगे। उसके बाद क्यूआर था, वो मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा है? मोदी जी ने मना किया है, मना कर रहा है, हर यहाँ से लूट के चला आ रहा है, बैंक के बंद होने हुए हैं, सब कुछ सरकार में आ रहा है। क्यूआर कोड पे पैसा क्यों ले लेते हैं? यूपीआई भी तो उनकी शुरू की हुई है भाई साहब। इससे पहले अच्छा लग रहा था आपको कि भैया ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। इसके पहले मोदी जी किए थे नोटबंदी, लोग कहते नोटबंदी किए थे, वो नोटबंदी नहीं, वो नोट बदली था। और अभी जो ला रहे हैं डिजिटल करेंसी, ये नोटबंदी है, वास्तविकता में ओरिजिनल नोटबंदी यही है। माननीय मित्रों, आप समझ लीजिए इस बात को कि ये नोटबंदी है, डिजिटल करेंसी। अरे आप व्यापारी क्यों ले रहे हैं? हम अभी हम ले रहे हैं, हमारे पास कैश नहीं है, नहीं ले रहे हैं, जाएंगे कहाँ? अरे देश के विकास, एक मिनट, कंज्यूमर कोर्ट को, एक मिनट सुनिए, कंज्यूमर कोर्ट को आपने कंप्लेन की, अगर ऐसा कुछ हुआ? मेरा तो फर्स्ट टाइम हुआ ना, हम यहाँ देखे जब हम बोले भाई, मेरे जो फर्स्ट उसको बता रहे हैं ना, अगर कार्रवाई ना होती हो तो आप कह सकते हैं? मुझे नहीं पता था, हम मैंने फर्स्ट टाइम उनको बोला, वो डायरेक्टली बोला कि हम नहीं लेंगे पेमेंट, तो क्या अभी मेरे पास कैश नहीं है और हम तुम्हारे शहर में नए हैं, बताओ क्या करें? अगर आप कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे और फिर भी नहीं करेगा वो चीज़ें, हमको इतना नहीं जाना भैया, हमको अपना छोटा सा परिवार चलाना है, तो उसमें क्यों बताए हम? देश में मुकदमा चल रहा है, एक मुकदमा और लेके चले हैं, छोटी बात को फिर आप पतंगड़ कैसे बना सकते हैं? बेरोजगारी का यही कारण है, बेरोजगारी का। अरे भाई साहब, मैंने छोटा सा, अगर आप सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचते हैं, देश के लिए भी सोचना चाहिए, पहले देश के लिए, पहले देश के लिए, इसलिए देश है तो परिवार है। कौन सोच रहा है देश के लिए? हम सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ। परिवार के लिए? नहीं, आप जो बोले कंज्यूमर कर जाइए, तो उसमें कौन जाएगा अपने आपको फंसाने के लिए? अच्छा। इनकी सरकार इतनी अच्छी है ना, थाने पर पहले दो, उसका बनाने का कुछ फायदा नहीं है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं। थाना किसने बनाया? थाना में किसके लोग बैठे हुए हैं? अरे हमारे आपके बीच के लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप सब लोग, आप बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के काम की, क्या क्या काम आपको सबसे अच्छे लगे हैं और क्यों दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने चाहिए, बताइए। भाई साहब, मैं तो बिहार से रहने वाला हूँ, ठीक है, हमको याद है कि हमारे गांव में लगभग बिजली देखने को मिलता था, कि भाई बिजली कब आएगी, इंतजार करना पड़ता था कि भाई बिजली कब आएगी, ठीक है। हम पढ़ाई करते थे, हमको पता साला लाइन नहीं है, लाइन आएगा तो पढ़ेंगे, हम लोग लालटन में पढ़ते थे अपने, ठीक है, और उस टाइम लगता आज हमको बिजली कम से कम 22 से 23 घंटा मिलता,
आज मतलब बिजली मिल रही है। आप बताइए आपको क्या काम अच्छा लगा है सबसे ज्यादा, एक आपसे भी पूछिए। ये बताओ आप क्या काम अच्छा नहीं है, रोड देखो, हाईवे देखो, टनल देखो, चाइना बॉर्डर के पास देखो, सड़कें बना दी हैं, 100 से ऊपर एयरपोर्ट बना दिए हैं, एम्स बढ़ा दिए हैं, इतने क्या क्या गिनवाया जाए। विपक्षी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ओसीबी और ईडीआई भेज रहे हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं समझे। अब हाथी अपनी चाल चल रहा है, कुत्ते भोग रहे हैं, वो तो शुरू किया हर किसी का कहावत है। तो मतलब कोई मतलब नहीं है क्या, 2024 पैदा नहीं, 400 प्लस है, बदलाव होगा 400 प्लस, यही तो बदलाव होगा। अभी 303 था, 303 गोली गोली, अब 403 होगा, 403 होगा भाई साहब आपका। देखो हमारी बीजेपी की सरकार में ऐसे तीन मुद्दे अहम फैसले ले गए जो पिछली सरकारें ना कर पाई। धारा 370 हटाई गई, तीन तलाक का फैसला जो इम्पॉसिबल था वो हटाया गया, और राम मंदिर पे फैसला आया जो इतना सालों से चल रहा था। तो आप कैसे कह सकते कार्य नहीं हुआ, देश में मुद्दा ही नहीं बचा, देश में मुद्दा ही नहीं है तो करेगा क्या। अरे भैया मेरे राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अरे लोकतंत्र तो खतरा में है ही, लंदन में जाके हमारे देश की छवि को ही विकार कर रहे हैं, लंदन में जाके हमारे खतरे में है। लोकतंत्र तो 75 में हुआ था समझे, हाँ जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी ना 75 के अंदर हुई थी। अच्छा। लोकतंत्र की हत्या हुई थी 1967 के अंदर जब गौ हत्या आंदोलन, गांधी कायर बोल रही है प्रधानमंत्री, गौ हत्या आंदोलन पे साधु संतों को गोली चलवा के मरवाया था इंदिरा गांधी ने, और कर्पात्री महाराज ने कहा था लाशें उठाते हुए कि तेरा स्वा सत्यानाश होगा, तेरे परिवार का स्वा सत्य, कुत्तों की मौत मरे साले सारे समझे, इमरजेंसी में मेरे घर ने मेरे परिवार ने फाके करे, फाके फाके उठा के कांग्रेसियों ने मुखबरियां कर करके ऐसे उठवाए थे संगियों को जो जेल में डलवा दी थे, मीसा DRI ये धारा थी मेरे परिवार ने भुगती है ये समझे। तो ये लोकतंत्र की हत्या उस टाइम थी, पत्रकार सारे अंदर ठोक दिए थे समझे, कोई चार आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते थे, धारा 144 थी इमरजेंसी में समझे, कोई भी बिना रेट लिस्ट के सामान नहीं बेच सकता था, वो अंदर हो जाएगा, ये चबूतरे थे ये सब तोड़वा दिए थे। अरे इमरजेंसी देखिए भैया, देखी है नरेंद्र मोदी, बताइए सबसे क्या नाम हुआ। माय नेम इज राजेंद्र, मैं महाराष्ट्र से हूँ, छत्रपति संभाजी नगर से हूँ, तो छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है मालूम है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता है, वहाँ पे जो कुशल है जो जिसमें दम है वही आगे बढ़ता है। आप मुझे बताओ बीजेपी का कोई भी जो सदस्य है उसका बेटे को उसने आगे किया है क्या, गडकरी ने उसके बेटे को आगे किया है, नहीं किया है। मोदी जी ने किसी को अपने परिवार को आगे किया है, नहीं किया है। राजनाथ के लड़के को कहते हैं लोग कि उनको आगे कर दिया राजनाथ, अरे राजनाथ हर मैं क्या बोल रहा हूँ, राजनाथ के लड़के को कर दिया होगा, लेकिन कहा दिखता है क्या वो अपने को, कुछ बड़े पोस्ट पे है राजनाथ का लड़का, नहीं है। अमित शाह का लड़का कहाँ है, अरे माननीय गृह मंत्री का लड़का कहाँ है, आज पता चलता पता है, हम तो आज तक देखे नहीं है। आपको मोदी का लड़का कहाँ है, मोदी का लड़का कहाँ है, अरे भैया मोदी का लड़का भी होना चाहिए उसका उत्तराधिकारी, कहाँ है मोदी का लड़का, उसका भाई। अगर देश को आगे, अगर देश को आगे बढ़ना है तो जो काबिल है उसको आगे आना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। अगर ऐसा परिवारवाद से चलते जाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ वो परिवार बड़ा होगा, देश बड़ा नहीं होगा। देश बड़ा होने के लिए विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अब की बार सब मिल जाएंगे, उखाड़ फेंकेंगे 2024। ऐसा होता है जब राजा आता है ना शेर जंगल का, तो शेर अकेला ही आता है और बाकी सब लोग फिर इधर उधर मिलजुल के सरकार गिरने में चल जाते, झुंड में आता है, ये सही बात है। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो कम पढ़े लिखे हैं, कई गलत साइन कर देते हैं, दो फैसले उन्होंने ऐसे ले लिए जो नहीं लेने चाहिए थे। बात करें अगर हम नोटबंदी की, बात करें हम कृषि कानून की, बात करें GST की, बात करें। सर मैं पहले बैंक में जॉब करता था, ठीक है, जब नोटबंदी हुआ ना तो हम लोगों ने 12-12 बजे तक काम किया है, हमने 12-12 बजे तक काम किया है, लेकिन नोटबंदी से जितना भी काला धन था, जितना भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे डब्बे में, तुम्हारे जमीन के अंदर गाड़ी वाला अमाउंट था, वो नकली नोट था, असली नोट था, जो भी था सब बाहर आ गया, और जिनको बाहर नहीं जाता वो जल्दी खत्म हो गया। तो यानी जो अमाउंट है, जो पैसा है देश का, वो इकोनॉमी में आ गया, वो साइकिल में आ गया, चलन में आ गया, वो तो उससे देश का भला हो रहा है, देश का भला हो रहा है। यस, और जो डुप्लीकेट नोट, मतलब 9 साल अगर हम कहें मोदी जी के, वो कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी देखो जो रोड वगैरह बन रहे हैं, ये रोड का शो तो आज नहीं लगा है, बहुत सालों से रोड वगैरह बनते हैं, तो ये रोड एकदम देश का बेसिक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2024 में कौन रिपीट होना चाहिए,
मोदी होना चाहिए और कौन हो चाहिए? अगर पहले मोदी और मोदी के बाद गडकरी जी यस। अच्छा, योगी नहीं, योगी कंपनी, योगी भी उसी टक्कर के आदमी है, लेवल के है, लेकिन दोनों में फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए। सर तो योगी को मानते हैं लोग, मानते हैं, गडकरी भी मानते हैं, बार बार योगी को मांगते हैं लोग। देखो जिस भी स्टेट में चले जाए हम, वो कहते हैं कि हमारे स्टेट में तो योगी होने चाहिए। भाई साहब वो अभी नौजवान ज्यादा है, माने योगी जी बहुत ज्यादा नौजवान को रहने दीजिए, यूपी तक ही रहने दीजिए, ठीक है, उनको यूपी में रहने दीजिए, अभी मोदी जी को एक बार और ऊपर आने दीजिए। भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ गौतम गोस्वामी। गौतम जी क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो टारगेट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को, 9 साल उनको पूरे हो गए हैं, क्या कहना होगा, क्या विकास लगा या विकास से वंचित रह गया हिंदुस्तान? विकास इसमें बोलने की क्या बात है भाई साहब, विकास तो देखने की चीज है ना जी। मैं कह दूंगा विकास नहीं हुआ, मैं कह दूंगा अभी सुबह हुआ, लोग कहते कि रात हो गया जी। तो ये कहने की बात है, ये तो लोग संता समझ रहे कि भाई क्या बात है जी। लेकिन वो जवाब भी तो चाहते हैं ना कि क्या विकास आपको लगा है, क्या विकास आपने देखा है? विकास क्या, किनको नहीं विकास दिख रहा है, विकास दिख रहा है किनको? बताइए एक दो विकास बताइए कैमरे पर। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया हमारे देश का, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ, आज यहाँ पर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिए कहाँ जा रहा है, भारत का रक्षा क्षेत्र में देखिए हमारा डिफेंस कहाँ से कहाँ जा रहा है। आप क्या चाहते हैं लोगों को लगने से क्या होता है कि नहीं, अरे ठीक है कुछ लोग होते हैं, क्या आपके घर में गार्जियन है और अगर 5 बच्चे हैं तो क्या सारे बच्चे खुश रह सकते हैं गार्जियन से? एक गार्जियन आपने 5 बच्चे को खुश रखता कभी नहीं रख सकता। अगर एक बेटे को देगा कि बेटा ये ले लो तो दूसरा बेटा कहे पापा मुझे छोटा क्यों दे दिया, उससे बड़ा दे दिया। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मेरी सदस्यता खत्म कर दी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र ही रहा हिंदुस्तान में, कह रहे एक तरह की तानाशाही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहने के लिए तो हम कोई कह सकते हैं भाई साहब तानाशाही हो रहा है, किनको तानाशाही लग रहा है? राहुल गांधी जी को बिल्कुल लग रहा है, जाके अपने कर रहे हैं वो लग रहा है उनको, कह रहे हैं कि मेरी सदस्यता रद्द करवा दी और फिर 8 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हम आपको गाली देंगे ठीक है, हम आपको गाली दें ठीक है, तो आप गाली दे, हम आपको गाली दे के चले जाए, हम सीधे लेकर जाओ, तुमको गाली देते रहे ऐसा क्या गलत बात? ये विधान सही है, कार्रवाई सब पे है रही है, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, कार्रवाई सब पे है रही है। अरे सीबीआई और ईडी जो है, ईडी है ना, जो सीबीआई और ईडी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से चलती है भाई, चलेगा ही। अच्छा। चलेगा ही, ऑर्डर दिया है, लेकिन वो तो उन्होंने ऑर्डर दिया, कोई भी भ्रष्टाचारी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो तो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो तो अपने तरीके से नहीं जाएगा। स्वतंत्र एजेंसियां हैं तो कहां लोग को करे कि वो उसे हाईजैक किया गया है, कौन हाईजैक किया है? क्या कांग्रेस के समय में नहीं थी क्या? अरे भाई आपके समय में भी था। तो देखिए सीबीआई ईडी ये सब का अपना एक स्वतंत्र प्रभार है, वो अपना काम करती है, किसी के कहने से काम नहीं करती। हम आपको हवाल कह लेगा, तुम चोर हो ठीक है, तो चोर रह जाओगे कहीं से हमारे से, फिर ऐसे ही मान लो आपके ऊपर केस भी लगा देंगे मानहानि किने को आपके ऊपर। अरे जब आपसे हम चोर कहेंगे, डकैती कहेंगे, कुछ कहेंगे तो कुछ करोगे ना करोगे आप, ठीक है, कार्रवाई करोगे, कार्रवाई होगी भाई। विकास हुआ है, सभी विकास हुआ है। क्या क्या विकास आपको लगा? ऐसा कौन सी चीज है तम विकास नहीं बहुत, सभी विकास हुआ है और हमारा भारत बढ़िया है, सब लोग आ रहे हैं। कह रही है कि अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर। देखो अत्याचार तो ऐसा है कि जब तक हम लोग खुद नहीं सुधरेंगे तब तक सुधार नहीं, सरकार नहीं सुधार पाएगी। हमको खुद सुधरना होगा ना, ठीक है, हमको खुश सुधरना होगा, ठीक है, जैसी हमारी माँ बहन है तैसी दूसरे की माँ बहन है, ठीक है, तो हमको खुद सुधरना होगा जी। सरकार अबाल एक बात बनाओ, अबाल हमारा बच्चा नहीं पढ़े जाए, ठीक है, तो सर हम कहेंगे सरकार नहीं पढ़ाए रही, तो हम अपने बच्चा को ना स्कूल भेज पा रहे हो, सरकार कैसे भेज देगी भाई? कह रहे हैं कि लेकिन एजुकेशन के लिए कुछ काम करना चाहिए, कुछ आगे के बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, एजुकेशन को फ्री करना चाहिए, इस तरीके की बात लगातार कहते हैं लोग। एजुकेशन जो शिक्षा दी जाती है उसमें छूट करनी चाहिए, काय की छूट, जो फीस होती है उसको कम करना चाहिए। अच्छा एक बात सुनो, हमने बच्चे पैदा करे तो हमने सरकार के ऊपर करे कि सरकार पढ़ाएगी उनको या सरकार हमारे बच्चों को घर बनवाएगी, ठीक है, हमको खुद कागज तो सोचना चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है, हमको खुद सोचना चाहिए ना, ठीक है, सरकार के ऊपर हम डाल देंगे अब बच्चे हमारे में सरकार के ऊपर डाल दे के ग्रेजुएशन करवाओ कहीं ये करवाओ, ठीक है, हम खुद समझें
ठीक है, सरकार ऐसे किसी की पूरी नहीं जा पाएगी। अब सरकार के पास तो कहीं पैसा अंत से आ रहा हो है। अरे भाई उसके पे पास तो भी सीमित पैसा है ना, उसको सबको लुटा देंगे ठीक है, तो फिर विकास क्या होगा? लोग कह रहे हैं कि अब की बार बदलने चाहिए, चेंज आना चाहिए, नरेंद्र मोदी नहीं बनने। कोई नहीं, कोई ना कह रहा हो है। देखो जब हाथी आता है ठीक है, जब हाथी आता है तो कुत्ता भौंकते रहते हैं और हाथी निकल जाता है ठीक है। तो हाथी मायावती वाला नहीं नहीं मोदी हाथी, जैसे हाथी जैसे हाँ हम तुम रहे यहाँ, हाथी आए हैं ठीक है और कुत्ते आए हैं उसके पीछे भौंकते रहेंगे। बिल्कुल, तो कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी निकल जाएगा, निकल जाएगा आगे। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे।